अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में आज से पहले जो है वो थर्मोरेगुलेशन को शुरू किया था और हमने प्लांट्स को देखा कि वो कोल्ड और हॉट एनवायरनमेंट के अंदर कैसे फिजियोलॉजिकली थर्मोरेगुलेशन करते हैं, यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस। साथ ही स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था कि एनिमल्स जो हैं उनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या कौन कौन से एनिमल की क्लासिफिकेशन हैं रिगार्डिंग थर्मो रेगुलेशन। सो हमने इससे पहले इस टॉपिक के अंदर यानी टेम्परेचर क्लासिफिकेशन जो है ऑफ एनिमल्स, इसमें एक चीज को डिस्कस किया था कि एक कैटेगरी एनिमल्स को थर्मोरेगुलेशन की बेस पे दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करती है, जिसमें हमने देखा था पोकिनोथर्म्स और होमियोथर्म्स। यानी एक पुरानी टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, जिसमें दो ग्रुप्स थे। हम मॉडर्न को भी डिस्कस करेंगे, अभी कुछ नया हम इसमें सीखेंगे, लेकिन पहले पहले क्लासिफिकेशन में एनिमल्स को महज दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, पोकिलोथर्म्स और होमियोथर्म्स। हमने देखा कि पोकिलोथर्म्स जो है उर्फ में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, जिसके अंदर हमने देखा सारे इनवर्टिब्रेट्स और फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स तक जितने भी ग्रुप्स थे वो है पोकिलोथर्म्स। और बर्ड्स और मैमल्स जो है जिनको हम वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम या ज्यादा हो तो उसका इफेक्ट इनकी बॉडी के ऊपर इस अंदाज से नहीं होता कि उनका बॉडी टेम्परेचर भी अप एंड डाउन हो जाए। इनको हम लोग कहते हैं होमियोथर्म, रिमेनिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इवन देर आर फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसके अंदर हमने बर्ड्स और मैमल की मिसाल ली थी, जिसमें हम लोग खुद मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स, जब मजीद रिसर्च हुई तो कुछ उसके अंदर चीजें या प्रॉब्लम्स कह सकते हैं या कुछ फाइंडिंग्स ऐसी आई जिनकी वजह से ये पुरानी क्लासिफिकेशन में सोचने पे मजबूर किया कि कोई नई क्लासिफिकेशन बताई जाए। एक मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। ये जो डीप सी फिश होती है, सो डीप सी फिश का देखा कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है। सो डीप सी फिश की एग्जांपल मैंने आपको दी, वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखती है। हालांकि हमने पहले देखा कि फिश जो है वो तो टेम्परेचर चेंज करती रहती है क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। इसी तरह से स्टूडेंट और कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक अगली एग्जांपल है, ये जो होती है लिजर्ड। सो स्टूडेंट, लिजर्ड जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर देखा गया है कि वो क्या कर रही होती है, रेगुलेट यानी कंट्रोल करके चेंज कर रही होती रेगुलेशन। हालांकि इस पुरानी क्लासिफिकेशन के तहत पोकिलोथर्म्स थे जितने भी रेप्टाइल्स थे, चूंकि लिजर्ड एक रेप्टाइल है, लिहाजा ऐसी कुछ एग्जांपल्स ने सोचने के मजबूर किया कि एक जामे और मुनफरद किस्म की टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन बनाई जाए। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन में ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको टैकल किया जाता है, उनको हल कर लिया जाता है। मसलन वो जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसमें एनिमल्स को तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेटरोथर्म्स। कौन से तीन ग्रुप्स? एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेटरोथर्म्स। आइए मैं इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ बताता हूं। यानी कैसे मैमल्स हैं मिसाल के तौर पर और काफी सारे बर्ड्स, कुछ बर्ड्स को छोड़कर, इनके
बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक हीट बहुत ज्यादा पैदा होती है और वो मेटाबॉलिक हीट इनकी बॉडी का टेम्परेचर एक लेवल पे कायम रखता है। सो जिनकी बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है अंदर रखते हैं, इतना एक्सचेंज नहीं करते, इनको कहा एंडोथर्म्स। वो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ते हो ना आप लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वहीं से थोड़ा सा याद कर लें कि वो वाले एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक हीट ज्यादा मात्रा में पैदा होती है और वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में इसको इस्तेमाल करते हैं, बाहर डिसिपेट नहीं करते, ये ग्रुप हो गया एंडोथर्म। अब इसके अंदर मैमल के अलावा कुछ और ग्रुप भी आते हैं। इसी तरह से एक्टोथर्म, एक्टो का बाहर, थर्म टेम्परेचर से रिलेटेड एक टर्म है। सो स्टूडेंट्स, ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर मोस्टली एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वगैरह हैं, कुछ फिश की कैटेगरी भी इसके अंदर है, जिन्होंने हीट थोड़ी पैदा की और वो एनवायरमेंट की तरफ छोड़ दी, डेसिपेट कर दी, एक्सचेंज कर दी, निकाल दी। लिहाजा आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई भी बॉडी अपना टेम्परेचर लूज करके एनवायरमेंट को दे दे तो उसका टेम्परेचर एनवायरमेंट के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब इसकी एक्सटेंशन में मैं आपको बताता हूं, अगर ये बॉडी ऑफ एन एनिमल है, इसने थोड़ी सी हीट पैदा की लेकिन वो एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज कर दी, तो जो बाहर का टेम्परेचर है इसका भी वही हो जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एक्टोथर्म, बाहर हीट निकालने वाले। अब एक ग्रुप अजीब सा एनिमल्स के अंदर है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोथर्म। भाई हेट्रो का तर्जमा होता है वेरिएबल, थर्म टेम्परेचर से एक रिलेटेड टर्म है। सो हेट्रोथर्म स्टूडेंट्स, ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहता है। अजीबो गरीब फिनोमेना है, हालांकि हमने पहले इस क्लासिफिकेशन में होमियोथर्म्स के अंदर मैमल्स को और बर्ड्स को रखा था, लेकिन मजेदार बात यह है कि यहां हेट्रोथर्म के अंदर हम फिर से देखते हैं कि हमिंग बर्ड होते हैं तो हमिंग बर्ड और बैट्स। अब हमें पता है बैट्स बायोलॉजिकली मैमल्स हैं और हमिंग बर्ड वैसे बर्ड्स हैं। अगर पुरानी क्लासिफिकेशन में इसको रखते हैं तो होमियोथर्म से वार्म ब्लडेड, लेकिन आज न्यू क्लासिफिकेशन ने इनका मसला भी हल किया, ये हैं हेट्रोथर्म, वेरिएंट बॉडी टेम्परेचर वाले एनिमल्स जो कभी कम या कभी ज्यादा मेटाबॉलिक हीट पैदा करते हैं। यानी सुबह शाम के अंदर भी देखा जाए, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। सो इस क्लासिफिकेशन ने हर एक एनिमल की कैटेगरी अलग अलग बता दी, यानी एंडोथर्म अंदर हीट पैदा करके अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने वाले, एक्टोथर्म हीट एक्सचेंज कर देने वाले, और हेट्रोथर्म वेरिएंट हीट वाले, कभी कम और कभी ज्यादा। सो स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन ज्यादा जामे है और ज्यादा बेहतर है। अब इसके बाद ये तो हमने टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को देखा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखना है कि थर्मोरेगुलेशन के लिए एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं। भाई एडेप्टेशन जानते हैं आप लोग, जो इवोल्यूशन को थोड़ा सा समझते हैं वो स्टूडेंट्स जानते होंगे कि एडेप्टेशन एक लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल चेंज के रिजल्ट के तौर पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक चेंज आने वाला जो कि उस एनवायरमेंट से कंपनसेशन पैदा करे, ऐसे लॉन्ग टर्म चेंज की वजह से जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको एडेप्टेशंस कहते हैं। सिर्फ चेंज नहीं, टाइम बीइंग चेंज नहीं, यानी जो हमारा क्लाइमेट है ओवरऑल अप टू द हंड्रेड्स ऑफ ईयर, हमारी बॉडीज उनके साथ एडजस्ट कर चुकी हैं, लिहाजा वी हैव अडॉप्टेड ऑल ऑफ दिस, ये होती है एडेप्टेशन। सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स के अंदर वैसे तो बेस्ट पहाड़ एडेप्टेशन है, लेकिन अगर आपकी
आसानी के लिए बताया जाए तो तीन मेजर एडेप्टेशंस हैं, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस और बिहेवियरल एडेप्टेशंस। सो एनिमल्स की बॉडी के अंदर थर्मोरेगुलेशन के लिए कितनी एडेप्टेशंस बताई स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, दैट इज परमानेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल, हमें पता है हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स सुना हुआ है ना, वो जिनसे हमें पसीना आता है, तो स्वेट ग्लैंड एग्जांपल हो गई हमारे स्ट्रक्चर में से, इसलिए ये स्ट्रक्चर एडेप्टेशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स की बॉडी के ऊपर फर मौजूद होती है, फर वो काफी सारे घने बालों की तह, तो फर पे चूके एक एडेप्टेशन है, इंसुलेटर का काम करती है, हीट अंदर से बाहर नहीं जाने देती, बाहर से अंदर नहीं आने देती, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, सो दिस इज आल्सो स्ट्रक्चर एडेप्टेशन। और भी कुछ एग्जांपल्स देखी जा सकती हैं, आपने गर्मियों के अंदर ये जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स उनको जबान निकाल के चलते हुए सांस लेते हुए देखा होगा, सो जब वो जबान निकालते हैं तो उनकी उस टंग के ऊपर चूंकि मॉइस्चर होता है, वहां से एवापोरेटिव कूलिंग की वजह से फिर वो जो एयर इनहेल करते हैं, लंग्स की तरफ ले जाते हैं, वो ठंडी एयर होती है। सो इस चीज को कहते हैं कि लंग्स एडॉप्टेड फॉर अ प्रोसेस कॉल्ड पॉन्टिंग। सो पॉन्टिंग डॉग्स के अंदर है, या फर की हमने बात की, या स्वेट ग्लैंड्स की बात की, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एडेप्टेशन है स्टूडेंट। इसके बाद में फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है जिसमें फंक्शनल हम कुछ देखें, मसलन यही स्वेट ग्लैंड्स हैं तो सही, पर ये सर्दियों के अंदर काम नहीं कर रहे क्योंकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर इतना कम है कि एवोपरेटिव कूलिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन होती है यही स्वेट ग्लैंड एक्टिव होकर स्वेटिंग शुरू कर देते हैं, यानी हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। उस पसीना का आना हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करने में मदद देता है, लिहाजा स्वेट ग्लैंड का होना स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन और उसका काम करना, भाई फंक्शन करना, वो क्या है? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर और भी कुछ चीजें देखी जा सकती हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारी बॉडी को हम देखेंगे, ये स्किन है, स्किन समझिएगा बात बड़ी मजेदार है, जब सर्दी होती है तो ब्लड जो है वो स्किन से नीचे डीप लेयर्स के अंदर चला जाता है। अगर ये मैं कोई ब्लड वेसल शो करूं आपको, तो स्किन के नीचे ब्लड वेसल चली जाती है और उनका डायमीटर कम हो जाता है, इसको कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाना। क्या बेनिफिट है? अगर ये स्किन है, डायमीटर कम होगा तो ये दूर हो जाएगी और अब इस ब्लड के अंदर जो हीट है वो एनवायरमेंट की तरफ उसका लॉस नहीं होगा। अब गर्मियों में यह फिनोमेना ओल्ड हो जाता है, वेजो डायलेशन हो जाती है। क्या? वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाना। ये जो हमें यहां से वो नाड़े वगैरह नजर आती है ना, वो यही एक हमारा फिजियोलॉजिकल काम हुआ हुआ है, एक हमारी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। क्यों? इस हालत में देखें तो वो ब्लड वेसल स्किन के बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, अब जो टेम्परेचर एक्स्ट्रा हुआ वो स्किन से बाहर डेसिपेट कर जाएगा। सो इसको हम वेजो डायलेशन का नाम देंगे, वेजो डायलेशन होना और वेजो कंस्ट्रिक्शन होना, ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। इसके बाद आखिरी एडेप्टेशन जो है स्टूडेंट्स, वो है बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियर क्या होता है? वो लिटरेचर वाले लोग कहते हैं रवैया। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकली बिहेवियर महज रवैया नहीं है, बल्कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी जिंदगी के
हर एक काम को हम बिहेवियर कहते हैं, इंग्लिश में डिफाइन करते हैं सम ऑफ ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बिहेवियर। वो इंग्लिश लिटरेचर वाला महज रवैया नहीं, यहां जो भी हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाहर ये उसका बिहेवियर है। सो हम थर्मोरेगुलेशन के लिए बिहेवियरल एडेप्टेशन भी रखते हैं, सर्दियों में धूप पे खड़े हो जाते हैं ना, हमारा बिहेवियर है। गर्मियों में हम छांव में बैठने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर है। अगर आप लोग देखें ना कि जो लिजर्ड्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स लिजर्ड अपने आप को टेम्परेचर हासिल करने के लिए इस अंदाज से, इस पोस्चर से बैठते हैं कि मैक्सिमम सन रेडिएशन आए, जिसको बास्किंग का नाम देते थे आप लोग। सो ऐसी अडेप्टेशन जो अपना अंदाज चेंज करके, अपना पोस्चर चेंज करके हम देखते हैं, किस लिए? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हीट और लूज हीट, दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल अडेप्टेशन। सो स्टूडेंट्स तीन तरह की हमने अडेप्टेशन को डिस्कस किया, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल अडेप्टेशन। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर के अंदर थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज क्या है एनिमल्स के अंदर, खास तौर पे मैमल्स को एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करेंगे, ताकि ये थर्मो रेगुलेशन का कंसेप्ट मजीद बेहतर हो, मजीद क्लियर हो। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक जो हमने काम किया इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है, ताकि आपको अगले लेक्चर की समझ आए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए